नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की फटाफट खबरों के साथ। देश में शुक्रवार को 2,35,532 नए कोरोना संक्रमित मिले। इस दौरान 3.35 लाख लोग ठीक हुए, जबकि 871 लोगों की मौत हुई। इसमें एक दिन पहले गुरुवार को 2,51,209 लोग संक्रमित मिले थे और 627 लोगों की मौत हुई थी। पिछले दिन के मुकाबले 15,670 कम संक्रमित मिले, यानी नए केस में 6% की कमी देखी गई है। पालघर में सड़क पर जलते हुए 4 किलोमीटर तक दौड़ता रहा ट्रक, ड्राइवर को नहीं लगी भनक। महाराष्ट्र में अभी भी जानलेवा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में यहां हुई सबसे ज्यादा मौतें। राज्य में 103 मरीजों ने संक्रमण से दम तोड़ा। खान सर डरे या हुआ समझौता, नेताजी उतरे सड़क पर तो छात्र हो गए गायब। जानिए किसने प्रदर्शन पर लगाया पलीता। मुजफ्फरपुर की सिंगर इंदु देवी के घर पहुंचे मंत्री शाहनवाज। शराबबंदी के बाद अब उद्योग पर गाना बनाने को कहा, यूट्यूब पर चैनल बनाने की दी सलाह। रतलाम में 5 लोगों में मिला ओमिक्रॉन का नया स्ट्रेन, एक की मौत भी। इंदौर में 1905 केस, 2 मौतें। भोपाल में 1508 नए संक्रमित। सिंधिया समर्थक मंत्रियों के विभाग सबसे भ्रष्ट। घूसखोरी में मंत्री गोविंद सिंह का विभाग टॉप पर, महेंद्र सिसोदिया का दूसरे व भूपेंद्र सिंह का तीसरे नंबर पर। अंडर-19 वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल, 2 साल पहले फाइनल में हराने वाले बांग्लादेश से भिड़ेगी टीम इंडिया। कप्तान यश धुल मैच के लिए फिट। आईसीसी ने ब्रेंडन टेलर पर बैन लगाया, स्पॉट फिक्सिंग में शामिल था जिम्बाब्वे का क्रिकेटर। 3 साल से 6 महीने रहना होगा क्रिकेटर से दूर। अनन्या पांडे की अगली फिल्म शकुन बन्ना निर्देशित गहराइयां है। फिल्म में उनके अलावा दीपिका पादुकोण और सिद्धांत चतुर्वेदी भी नजर आएंगे। आज की फटाफट खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए रबजी लाइव न्यूज। नमस्कार।